हाय किड्स, हाय सर। देखो जो कल आपने पेपर दिया ना, ये हिंदी वाला नवोदय का, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का, ठीक है। अब देखो हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास क्या आया था कि वर्णों के सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को, ठीक है। अब वर्ण देखो, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होते हैं जैसे ओ आ ई ई। अब इनसे मिलकर हम कोई चीज बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, शब्द। क्या बोलेंगे उसको, शब्द, ठीक है। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य। निम्नलिखित में पौ वर्ग के वर्ण हैं कौन कौन से, इसमें पौ वर्ग के पौ फो बो भो और मो, ठीक हो गया। सेकंड वाला, संयुक्त व्यंजन नहीं है, सौ, क्योंकि बाकी तो सब मिलके बन रहे हैं, जैसे त्रो तो और रो से मिलके बन रहा है, छो को और छो से मिलके बन रहा है, ग्यो गो और यो से मिलके बन रहा है, तो क्या हो गया इसका, शो। पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं लिंग, लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्रवेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रो, ठीक है, उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगते हैं। अतुल बाजार जाएगा वाक्य में प्रयुक्त काल है भविष्यकाल, भविष्यकाल। दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर का मतलब होता है जो लंबे टाइम तक हम बोलते हैं, जैसे हमको किसको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, ए, जैसे ये ए तो नहीं है ना, ये क्या है, ये आई, ओ, ओ में भी टाइम लगता है, आओ, आओ में टाइम लगता है, री, री में कोई टाइम नहीं लगता, उसमें कम टाइम लगता है, तो ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। गुण का विलोम है अवगुण, अवगुण। सागर का पर्यायवाची नहीं है उदधि। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, धोखा देना। अब देखो, मोहन फल खाता है वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है, एक है देखो अकर्मक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो मोहन फल खाता कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है नहीं, देखो पढ़ाई किन किन दो जो जो चीजों से मिलकर बना है, पढ़ और आई, तो क्या है, क्या है फिर प्रत्यय, आई, आई। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कौन सा वाला शुद्ध शब्द है इसमें से, दुर्दशा, ठीक है। अब ये तो है नहीं सही, ये है दुर्दशा, ये है दुर्दशा, ये तो ऐसा तो होता नहीं है, तो क्या है सही, दुर्दशा। कछुआ धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता को बता रहा है ना ये जी। क्रिया तो देखो चलना है, और चलना कैसे चल रहा है वो, धीरे धीरे, तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। जहां पहुंचाना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है, जहां पहुंचाना जा सके, अगम्य, मतलब जहां पहुंचाना जा सके, अगम्य। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द चुनिए, धरा, वसुंधरा, वसुधा और खतरा, 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 क्योंकि इसमें से सब क्या है अलग, और इन सब का मतलब क्या है, इन तीनों का, धरा, वसुंधरा और वसुधा मतलब होता है पृथ्वी। है बना संगमरमर का ताजमहल, इस वाक्य का सही पद क्रम है सी, ताजमहल संगमरमर का बना, बना है। कनक शब्द का अर्थ है दतुराई, शब्द का दूसरा अर्थ है सोना, सोना। बुढ़ापा अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहाँ है ये, भाववाचक संज्ञा। हिमालय शब्द में संधि है, हिमालय शब्द में जो संधि होती है वो है हिम प्लस आलय, तो हिम और आलय को मिलकर क्या बनता है, हिमालय। तो हिम के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, ओ, और इसके लास्ट शुरू में क्या आ रहा है, आ, तो ओ और आ जब मिलते हैं तो क्या संधि होती है, दीर्घ संधि, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पुस्तकालय हमारे ज्ञान समृद्धि के सृजक रहे हैं, पुस्तकालय अर्थात वह ज्ञान जहाँ पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, पुस्तकालय ज्ञान का अक्षय भंडार है, यह एक ऐसा स्रोत है जहाँ से ज्ञान की निर्मल धारा सतत बहती रहती है, ज्ञान की इस धारा में स्नान कर पाठक अपने चित्त को शुद्ध पवित्र एवं ज्ञान संपन्न करता है, पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ विविध विषयों से संबंधित पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, व्यक्ति की ज्ञान पिपासा उसे पुस्तकालयों को आकर्षित करती रहती है, पुस्तकालयों में व्यक्ति अपने रुचिकर विषयों को पढ़ सकता है तथा अन्य विषयों के प्रति अपनी उत्सुकता को भी शांत करने का प्रयास करता है। पुस्तकालय में किसका संग्रह किया जाता है, पुस्तकों का। गद्यांश में पवित्र शब्द आया है, इसका विलोम है अपवित्र, अपवित्र। पुस्तकालय का संधि विच्छेद है पुस्तकालय,
पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा का महत्व। वेरी गुड, पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय ऐसा स्रोत है जहाँ से निर्मल धारा सतत बहती रहती है ज्ञान की, क्योंकि नॉलेज आता है ना लाइब्रेरी से। ठीक है, अब देखो, अब पोर्शन है मैथमेटिक्स का। प्रथम पांच विषम संख्याओं का योग है 25। देखो प्रथम पांच संख्या ये 1, 3, 5, 7 और 9, इन सबका टोटल कितना है 25। अब देखो 1/2 / 1/3 / 1/5 का मान है। अब सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, क्योंकि इनके जो हर हैं, हर सबके क्या हैं अलग अलग, अगर एक ही होते तो सीधे जोड़ सकते थे, लेकिन उनके अलग अलग हैं तो हमने क्या निकाला इसका लॉस ऑफ 30 निकाला, तो 2 से भाग दिया 30 में, तो 15, 10, 6 और 31/30। अगर 30 का भाग हम 31 में देंगे तो कितना आएगा, 30 एकम 30, 1 1 से 1/30, 1 से 1/30। 45 मिनट एक घंटे का कितना प्रतिशत है 75, क्योंकि टोटल अगर हम देखें, अगर हम ऐसे एक फिगर बना लें तो पूरा एक घंटे कितने का होता है 60 मिनट का, तो ये हो गया 15, 15, 15 और 15। अब देखो ये 25% हो गया, ये 50 हो गया और ये कितना हो गया 75, तो 45 मिनट बराबर 75%। यदि एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, परिमाप है 60, मतलब टोटल कितना है ये 60, 15, 15, 15 और 15, तो क्षेत्रफल क्या करते हैं, गुणा करते हैं लंबाई को चौड़ाई से, तो 15 15 की 225, तो 225 वर्ग मीटर। ये तो इंग्लिश का ही पोर्शन है, इसी का ही। यदि संख्या 25 और 30 का महत्तम समापवर्तक 5 हो तो लघुतम समापवर्तक कितना होगा। अब देखो 25 का क्या करते हैं हम, इसके ऐसे भी बना सकते हैं, हम इसके ट्री भी बना सकते हैं, हो गया 5 5 और इसका हो गया 2 5 और 3। अब देखो कॉमन कितना आ रहा है इनमें से, 5 आ रहा है कॉमन, तो 5 तो क्या हो गया इसका HCF। अब बाकी देखो कितना छूट गया, अब सब एक एक बार लेने हमने, तो 5 1 5 2 और 3, 5 5 25 50 दिया 50 दिया 150 हो गया 150। निम्नलिखित में से कौन सी रोमन संख्या 90 को प्रदर्शित करती है। अब देखो L, L मतलब 50 और 40 90 90 ठीक हो गया कि नहीं हुआ। संख्या 738,277 पूर्णतः विभाजित होगी, किससे होगी ये विभाजित 9। देखो 4 से तो हो नहीं सकती, 6 से हो नहीं सकती, क्योंकि एक ऐसी संख्या है विषम, तो विषम संख्या किसी सम संख्या से अभी भी डिवाइड नहीं हो सकती। अब हो सकता है या 7 या 9। अब देखो इन सबका टोटल कर लो, 7 3 10 10 8 18 18 2 20 20 7 27। अब 27 में किसका भाग जाता है इन दोनों में से, 9 का। अब देखो 550 का 2 सही 1/2 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो 2 और आधा का मतलब है कितने वर्ष हो गए, ये ढाई। ठीक है, अब एक वर्ष का कितना है, एक वर्ष का कितना आएगा 4% के हिसाब से। देखो 550 का एक वर्ष का निकालते हैं पहले। ठीक है 4/100, ठीक है कट गया, 4 5 20 4 5 20 है 2 22, से 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया 22। एक साल के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसे 22, दूसरे साल के भी कितने देने पड़ेंगे 22, और अब फिर आधा साल है, अब कितना देना पड़ेगा 11 11, कितना हो गया ये 33 33 और 22 55 55, कितना आ गया आंसर 55। एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या होती है कितनी, अनगिनत। ठीक है, देखो एक तो ये होती है, तो ऐसी कितनी भी हो सकती हैं, तो क्या आएगा आंसर अनंत। 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। अब देखो 4 का स्थानीय मान बताओ, 4000 नहीं, 4 के आगे कितने कितनी संख्याएं और हैं, 4 0 आगे। ठीक है, और उसका जो अंकित मान कितना है 4, इसमें इसको घटाओ, 10 में से 4 गया 6 9 9 9 और 3, तो ये इसका आंसर सी। ठीक हो गया, 13/100 का दशमलव मान है, 100 का भाग 13 में देना है। देखो 100 का भाग 13 में दिया, कितना बढ़ाया 0 बढ़ाया, तो 0 को बढ़ाने के लिए दशमलव लगाया, 100 एकम 100, 30 बचा, 0 हमने अपने मन से बढ़ा लिया, 100 3 300, कितना आ गया 0.13। ठीक है 0.13। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है,
महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। दो कर्मागत विषम संख्याएं, फॉर एग्जांपल माना हमारे पास दो कर्मागत विषम संख्याएं हैं 13 और 15। अब देखो 13 और 15 का अगर हम एक ट्री बनाएं तो क्या आएगा, 1 और 13, और 15 का क्या आएगा, 5 और 3। तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3। कॉमन कितना आ रहा है हमें यहाँ पे, सब में आ रहा है जो 1, क्या हो जाएगा 1। यदि भाजक 7 भागफल 153 तथा शेष 1 है तो भाज्य होगा। देखो भाजक 7 का मतलब है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो तो 7 है, ठीक है। भागफल आ रहा है 153 और शेष आ रहा है कितना, 1। तो कैसे निकालेंगे इसको, इससे गुणा करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। 7 तिया, देखो 153 को 7 से गुणा करो, 7 तिया 21, 7 5 35 और 2 37, 7 1 7 3 10 और 1 शेष है तो 101 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये, 2 2 2 7 0 1। ये आंसर 1072, ठीक हो गया। एक रेखाखंड के अंत्य बिंदु होते हैं कितने, 2। हाँ 2, ठीक है। दी गई आकृति में पी डिग्री का मान होगा 50 तो ठीक है। देखो कैसे, ये 107 है यहाँ पे, यहाँ पर टोटल एंगल कितने का होता है, ये 180 का, तो 107 का मतलब यहाँ पे 73 डिग्री का एंगल और है। अब इन तीनों जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल को तीनों कोणों का मान कितना होता है, फिर से 180। अब 73 ये हो गया, 57 ये हो गया, तो 73 और 57 हो गया आपका 130 और 130, अब यहाँ पे कितना बचा, फिर अब 50, कितना इसका आंसर 50 डिग्री। साहिल के पास 300 रुपये थे, उसने इसके 2/5 भाग से पुस्तक खरीदी, पुस्तक की कीमत क्या थी, तो 300 का 2/5 निकालना था, ठीक है। 300 को 200 गुणा कर दिया 600, 500 भाग दिया 120। यदि एक पुस्तक की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 20 15 और 5 सेंटीमीटर है तो पुस्तक का आयतन होगा, क्या करना है आयतन निकालने के लिए, गुणा करो, गुणा 15 5 75 को 20 से गुणा करें कितना आएगा, 75 को 20 से गुणा करके बताओ, 75 दुने 145, ये देखो ना 75 को 20 से गुणा करके, 0 का 0 2 5 2 7 14 और 1 1500 क्या, 1500 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्योंकि आयतन है ना, ठीक है। अब देखो एक विद्यालय प्रातः 7:30 पर प्रारंभ होता है, यदि वह 5:35 तक चलता है तो विद्यालय के बंद होने का समय क्या है, तो 7:30 से 5:45 क्या, 5:35 क्या कर दिया, जोड़ दिया, 5 का 5 3 3 6 7 5 12। अब 12:65 तो बजते नहीं है, क्योंकि कितने तक बजते हैं, 1:05 60 तक ही बजते हैं, तो 60 के बाद 12 के बाद क्या बज जाएंगे फिर, 1:50 अब देखो इसको सरल करना है। अब सरल करने का मतलब देखो क्या है, 3/5 धन 1/5 गुणा 10/3 भाग का तो गुणा कर दिया हमने, ये हो गया 1 गुणा, अब इसको इसमें से लॉस ऊपर निकाल लेते हैं, 45 हो गया, ये हो गया 36 और 56 और ये हो गया 144, ठीक है। अब देखो 3/5 धन 10/15 गुणा, इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 4 3 7 1 8 180/45, ठीक है। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 गुणा 180/45, ये हो गया 19/15 गुणा 180/45। अब इसको काट लेते हैं, 9 5 45 और 20, ठीक हो गया। इसको और काट लेते हैं, 5 6 20 कितना हो गया, 19 6 76, नीचे कितना है 15, 76/15, ठीक है। वृहत कोण बराबर होता है किसके, 190 से अधिक और 360 से कम, ठीक है। तो 180 से अधिक और 360 से कम। शंकु के शीर्षों की संख्या होती है एक, ठीक है। एक शीर्ष होता है शंकु का, ऊपर तो क्या होता है ये गोल। दी गई आकृति का परिमाप होगा 12, सबको क्या करना था, जोड़ना था। देखो 3 और 3 6 7 8 9 और 1.5 एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, वह 288 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कितने घंटे में, ठीक है। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, कैसे करना था इसको? देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। निकालना क्या था इसमें? समय। समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? कितनी है? 288। और चाल कितनी है? चाल 20, ठीक है। तो इसको गुणा करना पड़ता है 5/18 से, 5/18, ठीक है। अब देखो 5 से इसको हमने काट दिया 4, और 18 का भाग इसमें देना है, कितनी बार जाएगा? 18 का भाग 288 में, 18 एकम 18, कितना बचा नीचे? 10, अरे 108, 18 का पढ़ा 108 तक पढ़ो, 18 छके 108, नहीं 18 छके तो 108 नहीं होता, 18 छके 108, ठीक है, 18 छके 108 हो गया। अब देखो अब इस 4 से कितने बार कटेगा ये? 4 का पाड़ा 16 में, चार। तो कितने घंटे आ गया? 4 घंटे, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 550 था, विक्रय मूल्य 600 हो तो लाभ का प्रतिशत है। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 600 में से हमने किसको घटाना है? 550 को, और उसको भाग देना है कितने? 550 से ही, और 100 से गुणा कर देना है, ठीक हो गया। अब देखो 600 में से 550 घटाए तो कितना आया? 50 बटे 550 गुणा 100। अब देखो इस 0 से ये 0 कट गया, इस 5 से ये 11 बार कट गया, तो कितना आ गया ये? 100 बटे 11। अब 11 का भाग 100 में देना है हमने, 11 9 99, 9 सही 1 बटे 11। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है।